तो दोस्तों ये है बूढ़ा हनुमान जी मंदिर, और अब यहाँ से निकलते हैं। ये इस साइड रास्ता था पांडुपोल का, ये ऊपर हनुमान जी मंदिर, और अब यहाँ से हम चलते हैं अपनी घर की तरफ। हनुमान जी के भी दर्शन हो गए, पांडु पोल भी देख लिया, बूढ़ा हनुमान जी भी दर्शन हो गए। अब सीधा घर की तरफ। रास्ते में कुछ अच्छा होगा, रास्ता तो बाकी मैंने दिखाई दिया है। अब यहाँ से निकलते हैं, घर की तरफ चलते हैं। ये है हनुमान जी का मंदिर पार्किंग, ये पार्किंग एरिया है। हमने बाइक आगे ही खड़ी कर दी थी। ये देखिए हिरण यहाँ भी आ जाते हैं, ये जंगली सुअर, बंदर, हिरण, बहुत सारे जीव जो है। अभी जाम सा लग कि पार्किंग की यहाँ पे हमने खड़ी कर दी थी गाड़ियों। बस अब फाइनली ना दोस्तों निकलने की तैयारी अब चल रही है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो अब चलते हैं वापस घर की तरफ। बहुत बड़े ही अच्छे दर्शन हो गए हनुमान जी के, शांति से दर्शन हुए पूरा दोनों तीनों जगह। अब निकलते हैं घर की तरफ। दोस्तों जैसे पंडित जी ने बताया था, ये जो हनुमान जी हैं यहाँ पे, ये जब पांडव विराटनगर जा रहे थे ना अज्ञातवास के लिए, तो पांडव यहाँ पहुँचे थे, और पांडवों में भीम ने यहाँ गदा मार के इसमें पहाड़ में रास्ता बना दिया था, जिसको पांडव पोल बोलते हैं। पांडवों के लिए रास्ता बनाया था, और उसी से ही भीम के अंदर घमंड आ गया था। उस घमंड को चूर करने के लिए हनुमान जी यहाँ बूढ़े रूप में आए थे, बूढ़े वानर के रूप में, और उन्होंने भीम का यहाँ पे जो है घमंड चूर किया था, चकनाचूर किया था। बस यही कथा है यहाँ की। बाकी की जो कथा है वो पूरी की पूरी आपको पंडित जी ने बता दी थी अच्छी तरह विस्तार से। तो चलिए अब यहाँ से चलने का हो गया है समय, और यहाँ से धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकलते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं सीधा चल के हाईवे पे मिलेंगे। तो अब तक मैं भी बाइक को थोड़ा सा खींच लेता हूँ, ताकि हम लोग भी समय रहते ही घर पहुंच सके ज्यादा। हनुमान जी की सेना जो है
पूरे हर जगह बैठी हुई है। गर्मी इतनी है दोस्तों, बार 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 जो है ना गला सूख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, सा पानी पत्थरों में इकट्ठा हो रखा है, तो थोड़ी सी हरियाली है यहाँ, इसकी वजह से थोड़ी सी हरियाली यहाँ है। ये देखिए जगह जगह हनुमान जी की सीन। चलिए अब आपको मिलेंगे हाईवे पे। हाईवे पे बात करेंगे जंगल से बाहर निकल के। थोड़ा सा पर व्यू आपको ये दिखा देता हूँ मैं, लास्ट जाते जाते भी एक बार आपको जो मैं यहाँ का ये व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, देखिए दोस्तों क्या बात है, ओह ये फैंटास्टिक व्यू जो है। इसी के लिए ही हम यहाँ आए थे। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा ये सारा ऊपर का सारा व्यू। तो अब निकलते हैं बाहर यहाँ से और हाईवे पे आपको मिलेंगे। ये थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। दोस्तों आगे बाहर और अब सीधा हाईवे से राइट लेंगे और फिर पहुंचेंगे अलवर, और अलवर से फिर जिस रास्ते को हमेशा लेते आए हैं उसी से सीधा घर पे। ये दोस्तों ये सफारी के लिए जिप्सियां हैं, ये इन जिप्सियों से आप सफारी कर सकते हैं यहाँ के, अगर आप सैटरडे या ट्यूसडे को नहीं आते हैं। तो दोस्तों अब निकला है बाहर और घर की तरफ चल रहे प्रस्थान। दोस्तों इतनी खूबसूरत जगह थी ना, दोस्तों इतनी खूबसूरत जगह थी, मेरा दिल तो मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि यही आज की शाम व्यतीत की जाए, पर प्रोटोकॉल नियम कानून के अनुसार आपको शाम को वहाँ से आना है। आपको अगर यहाँ टाइम स्पेंड करना है तो गेट से बाहर, जैसे गेट से बाहर आते हैं तो यहाँ पे RTDC का होटल है, वहाँ पे रुक सकते हैं। राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट का होटल है, देखिए मतलब खूबसूरत नज़ारे पीछाई ही छोड़ रहे हमारे साथ। बस इसके लिए ही आए थे, इसको एक्सप्लोर कर चुके और आप दोस्तों ये बर्थरी का किराया जैसे भैया ने बताया हमें, और यहाँ रुके इसलिए चाय और कुछ और खाने के लिए थक गए थे, भूख लगी थी, आके किराया ले। तो दोस्तों यहाँ कुछ चाय पानी पीने के लिए रुके थे इस जगह,
और ये जो रास्ता सामने जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो देख रहे हैं, ये जाता है भरथरीज जी पे। तो अभी वक्त की है कमी, तो अब नेक्स्ट जब कभी आएंगे तो भरथरीज जी पे आएंगे। अभी निकलते हैं यहाँ से क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। और ये जो जगह थी यहाँ जहाँ हम रुके थे, इसको बोलते हैं भरथरी तिराया। ये जगह थी, इसको बोलते हैं भरथरी तिराया। चलिए अब निकलते हैं जल्दी जल्दी, ताकि सफ़र आगे का ज़्यादा थोड़ा सा रोड जो है दोस्तों, बेशक जरूर हम वापस जाने लग रहे हैं, पर जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बेशक आप घर जा रहे हैं शाम का समय, रात पर इनमें बहुत टाइम पर गर्मी थी, बट अभी थोड़ी थोड़ी ठंडक मौसम में हो गई है और बड़ी खूबसूरत सी वादियों से फिर से हम निकल रहे हैं। देखिए खूबसूरत पहाड़ है, थोड़ा सा रास्ता सा है और चलिए शाम की समय की अवरावली पर्वतों की खूबसूरती देख लीजिए और आप अभी पर्वतों की तलेटी से जो रास्ते बने हुए हैं उनमें चल रहे हैं। उधर सूरज की रोशनी आ रही है, कहीं नहीं आ रही, कहीं पहाड़ की छाया आ गई है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है हमारे। ये कोई पुराना ऐसा फोर्ट यहाँ बना हुआ है। ये दोस्तों अब हम सरिस्का से बाहर निकल चुके हैं। ये चेक पोस्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व चेक पोस्ट। अब हम बाहर आ चुके हैं सरिस्का से और अब हमें चलना है अलवर। भाई अलवर सीधो, सरिस्का जो वन्य अभयारण्य क्षेत्र है उसके बाहर आ गए, जिससे बट ये बाउंड्री है ना, मान बनाता है आता कि
व्यूज है उनके बदलिए, जो ये व्यू आ रहा है ना वो तो ऐसे घुमावदार मोड़ है जैसे कि आप शिमला में ही गाड़ी घूमना चला रहे हो। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकर भी यहाँ जगह जगह बनाए हुए हैं, इससे आप ज्यादा तेज गाड़ी ना दौड़ा सकते। और यहाँ जगह जगह ना छोटे छोटे मंदिर भी हैं, ये देखिए कहीं शिव मंदिर कहीं हनुमान मंदिर जगह जगह छोटे छोटे। और ये देखिए आप साइड मेरे लेफ्ट राइट साइड में दोनों राइट सामने मन में समझ नहीं सोच नहीं पा रहा था क्या क्या छोड़िए। घर पे भी लेके और जो भी
आराम से रेस्ट करेंगे, बात करेंगे और वीडियो को एडिट करेंगे। अब ये पहुंच गए रेवाड़ी पे। दोस्तों फाइनली पोसवाल चौक पे आ गए हैं। ये पोसवाल चौक और अब यहाँ से गोल घूम के घर की तरफ। ये घर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हैं घर पे फाइनली घर पे। अब चल के अंदर चल के आराम से नहा धो के फिर बात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। दोस्तों घर पहुंच गए और अब वीडियो को एंड करते हैं। मुँह हाथ धो लिया है, क्लियर सेफली पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन बाय।